तिवारी हूँ। नमस्कार, मैं लता जंगी सीजी ब्लॉगर लता अरुण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज शिव महापुराण सुनने के लिए आए हैं और कथा का चौथा दिन है। कुरुत छत्तीसगढ़ में आए हैं, जिला धमतरी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ कथा सुन ले। तो मेरे साथ पूरी भाभियाँ सभी लोग आए हुए हैं, दीदी लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये देखिए कथा पंडाल। तो ये देखिए VVIP पास मिला हुआ है हमको। तो ये भाभी जी अरेंज करवाई है VVIP पास। तो हम लोग बिल्कुल महाराज जी के सामने वहाँ पर बैठेंगे, कथा बहुत ही अच्छे से सुन सकेंगे। आयोजक समिति को अपना अपना सहयोग प्रदान करें और अपने अपने पास पर बिना छेद कराए अंदर ना घुसे। जिनके पास पास नहीं है, व्यवस्था बनाने में आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसे हम आप सभी से आशा करते हैं। श्री धर्म परिवार या विठले सेवा समिति सीहोर और गुरु जी का मोनो जिनके टी शर्ट पर हो, जिनके पास लाल कलर की थैली हो, बैठ करके सुंदर और मधुर भजनों के साथ पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख से शिव महापुराण कथा सुने और व्यवस्था बनाने में कार्यकर्ताओं का सहयोग। Thank you.
चतुर्थ दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 27 मई से समर्पण शिव महापुराण की कथा का आयोजन होगा। बड़े भाव से आप राम स्मरण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। 6 जून से 12 जून तक सोलापुर की पवित्र भूमि पर उमा महेश शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। बड़े आनंद के साथ आप सभी को भगवान गणेश जी महाराज के प्रागट उत्सव की बधाई हो। हर हर महा जय जय देवी। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहे। तो इन खेतों के बीचों बीच वहां पर पंडाल बना है, तो उस पंडाल में कथा हुआ श्री गौरी शंकर शिव महापुराण। ये देखिए पूरे खेत के बीच में बना हुआ है, दिन ढलने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रेग्नेंट है बेचारी, वो भी आई है देखो।